हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T2 प्रो फ़ोन है, तो वीवो T2 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शंस है, तो हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शंस को स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में, कैसे आप QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को बिना पासवर्ड के आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि बिना पासवर्ड के वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करके आप इंटरनेट वगैरह कैसे चला सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स आइकन पर जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर हॉटस्पॉट QR कोड की मदद से वाईफाई नेटवर्क को बिना पासवर्ड के कैसे कनेक्ट करेंगे, तो सिंपली देख सकते हैं। नेटवर्क इंटरनेट पर जाना है, जहाँ से पहले तो आपको वाईफाई पे जाना है। तो नेटवर्क कनेक्टेड है तो इसका QR कोड कैसे ओपन करेंगे, तो इस तरीके से आप नेटवर्क का भी QR कोड ओपन कर सकते हैं। सिंपली QR कोड स्कैन करते हो तो नेटवर्क आपका दूसरे फ़ोन में कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी स्कैन करके नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं QR कोड को, या फिर आपके पास ऑप्शन आता है स्कैनर सेटिंग, तो स्कैन करके आप किसी भी अदर्स फ़ोन का QR कोड स्कैन करते हैं तो बिना पासवर्ड के जो नेटवर्क है हमारे फ़ोन में स्कैन होते ही कनेक्ट हो जाता है, जिससे आप इंटरनेट यूट्यूब चला सकते हैं। या फिर आपके पास हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग सेटिंग्स आती है, जिसको ओपन कर लेना है, इस तरीके से ओपन हो जाएगी। और हॉटस्पॉट आपका ऑफ है, देख सकते हैं, तो सिंपली आपको इसको ऑन करना होगा, जिससे हमारे पास QR कोड आइकन आ जाएगा। सिंपली QR कोड स्कैन करते हैं, तो QR कोड स्कैन करके भी वाईफाई नेटवर्क को आप कनेक्ट कर सकते हैं, और QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क से इंटरनेट वगैरह चला सकते हैं। तो इस तरीके से QR कोड स्कैन करके भी वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं वीवो T2 प्रो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।